यहां पे आपको अपडेट करेंगे। भारतीय साहिब पेक नायब सदर ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। भारत में मुसलमान महफूज नहीं, साबिक भारतीय नायब सदर कहते हैं मोदी सरकार में सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। मोदी हुकूमत में भारत के मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, मुसलमान डंडे मारकर कत्ल करने के वाकयात से परेशान, भारत में इख्तलाफ राय की कोई जगह नहीं रही। भारत के नायब सदर हामिद अंसारी ने मोदी सरकार के मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे पर वाजह बात कह दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने सवान हयात पर बात करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत में हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। साबिक नायब सदर ने मजीद कहा कि मोदी सरकार ने इंतखाबात जीतने के लिए हिंदू धर्म का इस्तेमाल किया, मोदी सरकार में सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज नहीं, मुसलमान डंडे मारने के वाकयात से परेशान है।